मोड़ी भारत माता की। अवर हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अवर सुपर स्टार वर्ल्ड लीडर श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं अनुरोध कर रहा हूं इस विशाल सभा के संबोधित करने के लिए। भारत माता की, भारत माता की जय। मां भद्रकाली, भद्रकाली अम्मवारी महत्यानी की, सम्मक्का सारलम्मा पौरुषानी की, रानी रुद्रमा पराक्रमानी की, प्रख्याति गाचिना वरंगल को रावणम संतोषंगा उंदी। आज मैं एक बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में वारंगल में आप सबके बीच आया हूं। ये क्षेत्र जनसंघ के जमाने से ही हमारी विचारधारा का मजबूत किला हुआ करता है। जब संसद में बीजेपी की सिर्फ दो सीटें थी तब हनुमान कांडा से श्री जंगा रेड्डी जी सांसद हुआ करते थे। आज बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है तो इसमें तेलंगाना की इस धरती की बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि अब यहां बीजेपी का निरंतर विस्तार हो रहा है। 2021 में यहां के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में बीजेपी अपने प्रभाव का ट्रेलर दिखा चुकी है। इतनी बड़ी संख्या में आप यहां पहुंचे हैं इसका संदेश साफ है। अब विधानसभा चुनावों में बीजेपी यहां बीआरएस और कांग्रेस दोनों का पत्ता साफ करने जा रही है। साथियों, यहां आने से पहले मुझे तेलंगाना के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने का अवसर मिला है। इनसे इस क्षेत्र में सुविधा तो बढ़ेगी ही, रोजगार के भी नए अनेक अवसर बनेंगे। पिछले 9 वर्षों में केंद्र की बीजेपी सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए पूरी शक्ति से काम किया है। आज तेलंगाना में करीब 36,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। 2014 में तेलंगाना के लिए जो रेल बजट था आज उसका 17 गुना 17 टाइम अधिक रेल बजट तेलंगाना के पास है। भाजपा का लक्ष्य यही है, तेलंगाना विकसित बने, तेलंगाना भारत को विकसित बनाए। साथियों, भारत